लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष में होते हुए पार्टी ने राज्य की 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस की नजर अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जहां पार्टी को बेहतरी की उम्मीद है। लोकसभा में पार्टी के प्रदर्शन ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की फेहरिस्त लंबी कर दी है और टिकट के लिए अभी से मारामारी शुरू हो गई है। हाल ही में कांग्रेस ने टिकट दावेदारों के लिए आवेदन सिस्टम की शुरुआत की। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अब तक 2000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि आवेदनों से कांग्रेस के करीब 3 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 जुलाई से कांग्रेस ने टिकट दावेदारों से आवेदन लेना शुरू किया था। पिछले 28 दिनों में सभी 90 सीटों के लिए 2000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, वो भी तब जब कई बड़े नेताओं ने अभी तक टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। अब तक औसतन हर सीट पर टिकट के लिए 22 से ज़्यादा दावेदारों ने आवेदन किया है। दलित बाहुल्य सीटों पर यह दावेदारी 50 के आसपास भी है। दावेदारों की भीड़ देखते हुए कांग्रेस ने आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। अब हरियाणा में टिकट के लिए कांग्रेसी 10 अगस्त तक नेता आवेदन जमा कर सकेंगे। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 20,000 रखा है। दलित और महिलाओं से आवेदन के लिए 5,000 रुपए लिए हैं। आवेदनों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अब तक नामांकन के फॉर्म से कांग्रेस को करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये सभी पैसा सीधे कांग्रेस के कोष में जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन जमा करने का फॉर्मूला 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव में पहली बार लागू किया। इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में भी ये फॉर्मूला लागू किया गया है। वर्तमान में हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रभारी है वो 2018 में मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। इस नियम को लागू करने के 2 मुख्य वजह है। पहली, कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझ रही है और पार्टी दावेदारों के सहारे अपने कोष को मजबूत करना चाहती है। दूसरी वजह टिकट वितरण की गंभीरता है। पार्टी को लगता है कि पैसा खर्च कर रहे वही लोग दावेदारी करेंगे जो चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर होंगे। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदारों को टिकट देने की एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत आवेदन के जरिए कांग्रेस सबसे पहले दावेदारों का नाम लेती है। इस नाम को जिला इकाई के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। जिला इकाई से वेरीफाई किए गए नामों को प्रदेश कमेटी के पास भेजा जाता है। प्रदेश कमेटी अपनी रिपोर्ट लगाकर लिस्ट कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को दे देती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक टिकट देने के लिए कम से कम 2 फीडबैक या सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। एक सर्वे कांग्रेस हाईकमान द्वारा तैयार कराई जाती है तो दूसरी रिपोर्ट कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करती है। नामांकन से पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश नेताओं के साथ बैठकर सभी सीटों पर 2-3 नामों का पैनल तैयार करती है। इन नामों को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाता है। जिन नामों पर सहमति बन जाती है उसे तुरंत हरी झंडी मिलती है। विवादित नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष फाइनल फैसला करते हैं। नाम फाइनल होने के बाद पार्टी का सिंबल यानी बी फॉर्म प्रदेश अध्यक्ष सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। कांग्रेस 2019 की तरह इस बार भी अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी को 2019 में राज्य की 31 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन हालिया लोकसभा के चुनाव के बाद से पार्टी उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। इतना ही नहीं, पार्टी ने विधानसभा की 42 सीटों पर बढ़त बनाई है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 46 सीटों की जरूरत होती है।